बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम कन्वर्जन करेंगे और हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं कि हम यहाँ पे अब आपको मल्टीपल यूनिट्स नज़र आएंगे जिसको हम कहते हैं ड्राइव यूनिट्स। इससे पहले जब हमने पढ़ा था या तो हम मीटर्स को कन्वर्ट कर रहे थे, यानी लेंथ की किसी यूनिट को, मीटर को किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, माइक्रोमीटर में, मिलीमीटर में, या सेकेंड्स की बात कर रहे थे, नैनो सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स की बात कर रहे थे, लफ्ज़ हम सेकेंड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, या फिर हम ग्राम्स की बात कर रहे थे तो वो किलोग्राम्स था या मिलीग्राम्स था या सिर्फ ग्राम्स था। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे मल्टीपल यूनिट्स की। जब एक बेसिक क्वांटिटीज़ जो लेंथ, मास और टाइम और बाकी चार और बेसिक यूनिट्स होते हैं, तो बेस यूनिट्स के वो जब हम दो बेसिक क्वांटिटीज़ को, बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो वो ड्राइव्ड क्वांटिटी बन जाती है। तो अब ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ये आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे मीटर और सेकंड्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे मीटर्स और मिनट्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे किलोमीटर्स और आर नज़र आ रहा है। ये दो यूनिट्स हैं, इसमें से एक यूनिट है लेंथ का, सेंटीमीटर कोई लेंथ होगी और सेकंड्स टाइम है। तो जब हम डिस्टेंस को और टाइम को डिवाइड कर देते हैं डिस्टेंस बाय टाइम तो वो बन जाता है स्पीड। ये भी स्पीड का यूनिट है, 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 तो ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड है। ये ग्राम्स और सेंटीमीटर की बात आ रही है, जो ग्राम्स और सेंटीमीटर आ गया तो ये लेंथ का यूनिट है और ये मास का यूनिट है, तो ये बन गया लीनियर डेंसिटी। ठीक है जी, तो कोई दो यूनिट्स को हम डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सब के अंदर रेशो वैल्यू है, रेशो के अंदर है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने इसके अंदर आज 5 क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आपको और ज़्यादा से समझ में आ जाए। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो कन्वर्जन का प्रोसीजर वही होगा, आप इसको सेंटीमीटर पर सेकंड इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर से मीटर पर सेकंड में हमें चाहिए, यानी मीटर भी मौजूद है और सेकंड भी मौजूद है, तो इसमें से सिर्फ सेंटी की वैल्यू को चेंज करना है। सेंटी की वैल्यू को यहाँ पे लेके जाएंगे तो सेंटी की वैल्यू आप माइंड में बना के रखें, सेंटी की क्या वैल्यू होती है, सेंटी की वैल्यू होती है 10^-2। आप अपने बुक निकाल के बैठा कीजिए और कैलकुलेटर वगैरह सब निकाल के बैठें तो आपको लर्निंग प्रोसेस आसान हो जाएगा। अब इस सी को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो सी की वैल्यू है 10^-2, वो न्यूमिरेटर में ही था सी, तो वो उठ के सीधा सीधा यहाँ पे आ गया। अब ये बन गया मीटर पर सेकेंड, तो अब ये हो गया 5^-2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/10^2 मीटर पर सेकेंड, जो डिजायर्ड यूनिट था वो हमारे पास आ गया है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/100 एंड देन 0.05, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यहाँ पे है 2 मीटर पर मिनट, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 मीटर्स पर मिनट यहाँ पे लिख दिया। अब आप देख सकते हैं डिजायर्ड जो आंसर में जो हमारे पास मीटर पर सेकंड है, मीटर अवेलेबल है, ये सेकंड नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो इसको हम देखते हैं कि मिनट क्या होता है, 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर होता है, तो यहाँ पे 60 सेकंड्स लिख सकते हैं। अब ये 60 डिवाइड हो रहा है तो हम इसको यहाँ पे मूव कर देंगे तो ये तो वैल्यू बनी हुई है 2/60 और ये मीटर पर सेकेंड 2/60, तो दिस इज 1/30, यू कैन ऑल्सो से दैट 1/30 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज 1/3, इट इज 0.333 एंड व्हाट इज 1/30, दिस विल बी 0.03333 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द डिजायर्ड आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास है 72 किलोमीटर पर आवर, उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड के अंदर, क्या करें,
72 किलोमीटर्स पर आर। अब k की वैल्यू क्या होती है, किलो की वैल्यू क्या होती है प्रीफिक्स की, ये होती 10^3। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 10^3, ये यहाँ पे मीटर, ये किलो को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया मीटर अपनी जगह पे। ये आर क्या होता है, आर एक घंटा होता है। अब उस घंटे के अंदर क्या होता है, 60 मिनट्स होते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया 60 मिनट्स, हमने लिख दिया 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। बट ये मिनट्स क्या होते हैं, एक मिनट होता है 60 सेकेंड्स के बराबर, हमने उसको यहाँ पे उसकी वैल्यू ली। अब यहाँ पे हमें मीटर पर सेकंड मिल गया और ये 60 और 60 दोनों डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे इस वैल्यू के साथ, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहे हैं। तो दिस विल बी 72 बाय 1000 मीटर सेकंड एंड 60 बाय 60 इज 3600। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं पहले, तो 00 कैंसिल्ड बाय 00, 36 टू जार 72 एंड 72 टू 10 जार 20, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट है ये क्वेश्चन, मीटर पर सेकंड में से कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स पर आर में, कैसे करेंगे, 20 मीटर पर सेकंड। आसान तरीका ये होता है कि यहाँ पे इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया था, 3600 से डिवाइड कर दिया था, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे और 3600 से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर नहीं समझ में आता आपको इस तरह से, तो आप जिस तरीके से मैं अब तक लेके चल रहा हूँ आपको उस तरीके से समझ लीजिए, 20 और यहाँ पे हमें एक प्रीफिक्स लगाना था किलोमीटर, हमें एक प्रीफिक्स लगाना था। तो अगर हमें प्रीफिक्स लगाना था तो प्रीफिक्स की वैल्यू को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने पार्ट बी में किया था। पार्ट बी में हमने क्या किया था कि किसी प्रीफिक्स को अगर हमने लगाना है तो हम उसकी वैल्यू को उससे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे ये एक सेकेंड है, एक सेकेंड के अंदर कितने आर्स होते हैं, अब ये आपके लिए कंफ्यूजिंग बात होगी, 1 hour के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, 1 hour के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इस हिसाब से एक घंटे के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। लेकिन क्या मैं ये सवाल कर सकता हूँ कि एक सेकेंड के अंदर कितने आर्स होते हैं, बड़ी नीचे कैसी बात है। अगर 1 hour के अंदर 3600 सेकेंड्स हैं, तो अगर मैं इस इन दोनों साइड्स को डिवाइड कर दूं 3600 से, दोनों साइड को डिवाइड कर दिया 3600 से, तो ये बन गया एक सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर 1/3600 आवर्स, एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड्स हैं, तो दोनों साइड्स को हमने डिवाइड कर दिया 3600 से, उस हिसाब से क्या हुआ, एक सेकंड में 1/3600 सेकंड्स हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो एक दिन में कितने साल होते हैं, 1/365। सही। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, यह है सेकंड्स और एक सेकंड में कितने आर्स होते हैं, 1/3600। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे अगर हमने लिखना है आर्स तो हम लिख देंगे 1/3600। तो अब यहाँ इसके बाद क्या किया हमने, 20/1000। अब ये वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड में अपॉन के नीचे है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड 1/3600 किलोमीटर्स पर आर। इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 3600, ये हो गया 1000, ये हो गया 20,
अब ये दो जीरोस, ये दो जीरोस से काटे, ये यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया, ये हो गया किलोमीटर्स पर आवर, और 236,072 किलोमीटर्स पर आवर। ये दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। 7 ग्राम्स पर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम्स पर मीटर में, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा 7 ग्राम्स पर सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे प्रीफिक्स एक लगाना है और यहाँ पे हमें रिमूव करना है, लेकिन वो है डिनोमिनेटर के अंदर। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 7, और यहाँ पे अगर ग्राम्स है, ठीक है जी, इसके अंदर ग्राम्स है मौजूद, और हमें इसके अंदर एक एडिशनल किलो लगाना है, किलोग्राम लगा दिए। जब भी हम किलो लगाएंगे, किलो की वैल्यू होती है, किलो की वैल्यू होती है 10 रेस टू द पावर 3। तो अब क्या करेंगे, 10 रेस टू द पावर 3 को क्या करेंगे, इसके साथ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने एक प्रीफिक्स एडिशनल प्रीफिक्स लगाए, इसमें मौजूद नहीं था सवाल के अंदर, हमने इसके अंदर एक एडिशनल प्रीफिक्स लगा दिया। तो जब हम एक प्रीफिक्स लगाएंगे तो उसकी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे जो हमने पार्ट बी में किया था। अब यहां से ये जो सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर की सेंटी की जो वैल्यू है 10 की पावर -2, ये हमने सेंटी की जगह लिख दिया और मीटर अपनी जगह पर। सेंटी की वैल्यू क्या थी, 10 की पावर -2। अब किलोग्राम्स पर मीटर, ये किलोग्राम्स पर मीटर हमारे पास यूनिट मौजूद है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में, ये अगर न्यूमिनेटर में चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको इसके साथ कर देंगे तो 7 डिवाइड बाय 10 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू द पावर -2 किलोग्राम्स पर मीटर। बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 10 रेस टू द पावर 1 इज 10, यानी 7 डिवाइडेड बाय 10 किलोग्राम्स पर मीटर, और आसान लफ्जों में 0.7 किलोग्राम्स पर मीटर। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। थैंक यू।